कक्षा 11 आप लोग को आव्यूह बताया जा रहा था। जो चैप्टर दिया गया है वह क्या है? आव्यूह नहीं, समुच्चय। समुच्चय यह आपको देखिए बताया जा रहा था। समुच्चय, समुच्चय आप लोग को देखिए समुच्चय के प्रकार बताया गया होगा। समुच्चय के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय हो जिसमें कोई अवयव न हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। उसमें कोई अवयव नहीं होना चाहिए। और रिक्त समुच्चय को हम किससे दिखाते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फाई से दिखाते हैं। या तो आपका देखिए हम मझले कोष्ठक का यूज करके हम उसको क्या करते हैं, मझला कोष्ठक यूज करके लिखते हैं, यानी कि प्रयोग करके हम लिखते हैं। जैसे मझला कोष्ठक आपका देखिए आपका है, जैसे ये आपका मझला कोष्ठक का यूज कर दीजिए और यही आपका क्या होगा, इसमें कोई अवयव नहीं है तो ये आपका रिक्त समुच्चय दिखाएगा। या तो फाई से प्रदर्शित करते हैं रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय। इसके बाद बताया गया होगा आपका देखिए एकल समुच्चय के बारे में भी बताया गया होगा। ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें केवल क्या हो, एक अवयव हो। जिसमें केवल क्या हो, एक अवयव हो। जिसमें केवल एक अवयव हो इसको हम क्या करते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। इसको कहते हैं एकल समुच्चय। आप लोग को और बताया गया होगा परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बारे में भी बताया गया होगा। परिमित समुच्चय की क्या परिभाषा होती है? ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, कम हो, तो वह क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। अपरिमित समुच्चय की भी परिभाषा आप लोग को बताया गया होगा। ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो, यानी कि अनंत हो, यानी कि उसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। यह समुच्चय क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसी तरह देखिए आपका जैसे समान समुच्चय भी बताया गया होगा। समान समुच्चय की परिभाषा बताया गया होगा, दो समुच्चय हैं समान कब होते हैं, यानी कि ए के अवयव मान लेते हैं दो समुच्चय ए और बी हैं। एक समुच्चय में जो ए के अवयव सारे अवयव क्या हों, बी के भी अवयव हों, और बी के सारे अवयव क्या हों, ए के भी अवयव हों, तो वह क्या कहलाएगा? समान समुच्चय कहलाएगा। इसी तरह देखिए आपका क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय में क्या परिभाषा है, यहीं से आपका देखिए चलता है उप समुच्चय। देखिए आपका होता है उप समुच्चय, यह आपका हेडिंग होता है उप समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। क्या कहेंगे? सबसेट, सबसेट। देखिए यह आपका उप समुच्चय होता है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि इसमें दो समुच्चय दिए गए होते हैं, ए और बी। ए और बी दो समुच्चय हैं, मान लेते हैं ए आपका 1, 2, 3 है, दूसरा समुच्चय आपके क्या हैं, बी दिए गए हैं, और वह भी आपका 3, 2, 1 दिया गया हो। यह दो समुच्चय दिए गए हैं, तो उप समुच्चय की क्या परिभाषा होती है? उप समुच्चय यह कहता है कि ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए, बी के अवयव होने चाहिए। ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए, बी के अवयव होने चाहिए, और बी के सारे अवयव क्या होने चाहिए, ए के अवयव होने चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? ए बी का उप समुच्चय। इसमें क्या कहा गया है कि ए के सारे अवयव बी के भी अवयव हों, और बी के सारे अवयव क्या हों, ए के भी अवयव हों, तो ए बी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाता है। देखिए यहाँ पर इसी तरह परिभाषा लिख लीजिए आप, यदि ए और बी, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हों कि, दो समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव ए के सभी अवयव बी के
ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो तो और देखिए आपका दिया गया है उस समुच्चय में यदि ए और बी क्या हैं, दो समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव क्या हैं, बी के भी अवयव हों तो ए को बी का उपसमुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट इसको बोला जाता है क्या सबसेट इसको बोला जाता है सबसेट ए सबसेट क्या लिखते हैं हो तो इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं दिखाते हैं। ए सबसेट बी ए इसको पढ़ते हैं ए उपसमुच्चय बी या तो ऐसे पढ़िए ए उपसमुच्चय बी पढ़िए या तो ए सबसेट बी पढ़िए। समझ में आया कि नहीं आपका। यह देखिए यानी कि उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है यदि दो समुच्चय दिए हों ए के सारे अवयव क्या हों बी के भी अवयव हों तो ए बी का क्या कहलाएगा उपसमुच्चय कहलाएगा। यहाँ पर यह आपका देखिए ए सबसेट बी से लिखते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे आपका है जैसे यह आपका मान लेते हैं कि समुच्चय ए दिया गया है इसको ए बी सी है और देखिए इसको लिखते हैं बी लिखते हैं बराबर ए बी सी डी ये आपका लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं अभी परिभाषा से देख सकते हैं परिभाषा में आप क्या कहा गया है कि ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए बी में भी हों तो बी में है तो ए लिख सकते हैं क्या ए सबसेट बी आपका क्या कहा जाएगा ए सबसेट बी। देखिए यह आपका सबसेट यानी उपसमुच्चय की परिभाषा हो गया ए के सारे अवयव क्या मिलेंगे आपके बी में भी होंगे तो आपका क्या कहलाएगा ए सबसेट बी आपका यह हो जाएगा ए सबसेट बी। इसी तरह देखिए आपका होता है जैसे ए उपसमुच्चय बी में नहीं है यानी ए उपसमुच्चय बी का नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे जैसे आपका देखिए अगर क्या कहते हैं ए के सारे अवयव क्या हैं बी में नहीं है तो आपका क्या कहा जाएगा ए उपसमुच्चय ए क्या है डज नॉट सबसेट बी लिखते हैं यानी कि आप पढ़ सकते हैं इसको ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है इसको लिखेंगे। अगर क्या कहते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है। देखिए कहा गया है कि ए समुच्चय बी का क्या है उपसमुच्चय नहीं है तो इसको हम कैसे लिखते हैं ए
डज नॉट सबसेट क्या लिखते हैं, बी, यानी कि ऐसी ऐसा समुच्चय होना चाहिए कि ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? यानी कि आपके जैसे ये दिया गया है, या आपका देखिए समुच्चय के अवयव दिए गए ए बी और सी दिया गया है। यहाँ पर आपका केवल क्या दिया गया है, मान लेते हैं समुच्चय आपका देखिए आपका ए बी दिया है। तो यह देखिए आपके आप समुच्चय की उप समुच्चय की परिभाषा यह होती है कि ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो अर्थात देखिए यहाँ पर जो मान दिया गया है, समुच्चय ए दिया गया है, इसके सारे अवयव बी में आपके नहीं मिलेंगे। तो ये आपका कहा जाएगा ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, यदि लिख लीजिए यदि ए समुच्चय यदि ए समुच्चय यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसे ए डज नॉट सबसेट बी से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 3, 4, 6 ए बराबर 3, 4, 6। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं यदि समुच्चय ए बराबर 3, 4, 6, बी बराबर 5, 4, 6, 5, 4, 6। देखिए आपका 4, 4 है, लेकिन देखिए 3 और 5 आपके देखिए इसके सारे अवयव इसमें नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं तो ए तो ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है, नहीं है। या आपका देखिए या तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए नीचे लिख सकते हैं ए डज नॉट सबसेट क्या है, बी। देखिए इसके बाद आपका होता है उचित उपसमुच्चय। क्या होता है? उचित उपसमुच्चय। उचित इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, उचित उपसमुच्चय में यदि समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है। क्या कहा गया है? यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। क्या कहा गया है कि ए समुच्चय बी का क्या है, उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय की परिभाषा यह कहता है कि ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। तो यही आपका दिया गया है, यदि ए समुच्चय बी का क्या है, उपसमुच्चय हो और बी बराबर क्या है,
ए, यानी लेकिन क्या होना चाहिए, बी ए के बराबर नहीं है। जैसे आपका दिया गया है ए बी सी और ये आपका समुच्चय ए दिया गया है, बी बराबर आपका दिया है जैसे ए और बी। यहाँ पर कहा है कि ए बी का क्या है, उप समुच्चय है। ए बी का क्या है, उप समुच्चय है, दिख रहा है कि नहीं। ए ए बी सी है, इसमें ए बी सी, ए के सारे अवयव बी में है। अब यह कह रहा है कि लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए बी सी है, यहाँ पर क्या है ए बी और सी डी दिया गया है, यह इसके बराबर नहीं है। इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी डी है, यह बराबर नहीं है। तो क्या कह रहा है कि यदि ए बी का क्या है, उप समुच्चय है, और बी डज नॉट ए, यानी बी ए के बराबर नहीं है। इसमें कहा है कि बी ए के बराबर नहीं है, अर्थात बी में, अर्थात बी में कम से कम, बी में कम से कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, ए में ना हो, तो ए को उचित उप समुच्चय, तो ए को उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय कहते हैं। देखिए आपका दिया गया है, यानी कि दो समुच्चय दिए गए हैं, दोनों समुच्चय में क्या होना चाहिए, ए बी का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। आप दूसरी बात यहाँ कहा गया है कि बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ कहा है कि देखिए अर्थात बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो। आपका जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे समुच्चय यदि ए बराबर ए बी सी, आपका यह समुच्चय, और देखिए और समुच्चय बी बराबर ए बी सी डी, यह आपका समुच्चय दिया गया है। यह आपका देखिए ए के सारे अवयव बी में है, अर्थात यहाँ पर ए समुच्चय, ए जो दिया गया है बी का क्या है, उप समुच्चय है। लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाता है, यानी कि ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका है बी उचित उप समुच्चय ए लिखते हैं, बी इसे नीचे लिख लीजिएगा, इसे इसे बी उचित उप समुच्चय ए से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका उचित उप समुच्चय की परिभाषा है, और इस पर सवाल भी होते हैं, आपका उप समुच्चय भी पर सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोग को देखिए सवाल भी बताया जाएगा आगे, और जो है पढ़ाया जा रहा है उसकी परिभाषा आप लोग क्या है घर से याद करके आएंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा यह समुच्चय।